धरती बस साढ़े तीन कदम, साढ़े तीन कदम धरती। हाँ महाराज, महाराज ये तो है तुच्छ दान, मोदे में लग रही शरम, इतनो नाटक करके मांगी वो धरती साढ़े तीन कदम। महाराज इतनो बड़ो नाटक करो और मांगा तो साढ़े तीन कदम धरती, इतनो दान दे भी मो शर्म लग रही है, कछु और ले ले, कछु और ले ले। नहीं मो लाज लग रही बाबा और ले ले, शर्म लग रही बाबा और ले ले। बाबा हाँ कछु और ले ले। हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सोने चांदी नेक के देव मोय, शर्म लग रही बाबा और ले ले मोय, लाज लग रही बाबा। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे राजा, बात बताइयो मन की। अरे हम जो मांगे सोई दे बाबा, बात बताइयो। महाराज हाँ इतनो लंबो नाटक करो ओ मांगा तो साढ़े तीन कदम धरती, कम से कम हमारी औकात देखो। हे राजन हमारी हस्ती देखो, आपकी हस्ती हम देख चुके हैं, देख रहे हैं, तभी तो नाम सुन के आए, नहीं तो आपकी हमें जयपुर की कोठी चाहिए, ना ही दिल्ली वाली और ना ही मथुरा वाली और ना ही आगरा वाली और ना ही नगला खुर्दन वाली। हमारी साढ़े तीन कदम पृथ्वी हमारी धूना बन जाएगा, चिमटा गड़ जाएगा, कमंडर रख जाएगा और वजन होगा, कमंडर छोटा ही है, छोटे ये कोठी का किनारे बैठे तो मोदी हाथ धो के पीछे पड़े हैं और तुम यहाँ गड़ के यहाँ झुका के लगा रहे। महाराज नाम सुना है तो वहां से बताइए। नहीं, नहीं नहीं ये मत करो, ये बात अच्छी नहीं। तो महाराज एक बात बता। हाँ तुम्हें नापियो पर नपवाए, हम खुद नापेंगे। महाराज तुम्हें छोटी छोटी पहिया, छोटी छोटी पहिया तुमने नापो तो पीड़ा पर जगह पल्ले ना पड़े। और मेरे पास ये बड़े बड़े राक्षस बैठे लंबी टांगन वाले, इन पर नपवा लो कुछ हिल्लू है जाएगा। महाराज हमें इन पे विश्वास है ना है। इन पे हम अपने लेखपाल जो पटवारी का काम है खुद ही करेंगे, इन पे ना नपवाएंगे हम कतई। ढोलक वाले पे मांग नपवाए जोरे, एक आतना कमांडर फकरो फिर जो जाने कान भोग दे बल्लुआ ने तो जब जे उंटो चल लेकर उतार, हमें ने पका विश्वास ना, हम खुद ही नापेंगे। हां ये तुम्हारे पीछे हवन करा तो जा पे नपवाए, जे तो जाई ने कान भोगे जाओ मंत्र दे दो जाके सरा की नहीं। अच्छा दोनों को गुरु जी बैठो थे पीछे ना, एक वो बावरू बैठो लंबो लंबो सो। अब जो है कि बाप को सही ना है, उसको टावर उड़ जाता है हवा में, बिल्कुल सही ना। हम अपने ना पेंगे को आपते। हाँ मुझे चिमटा बजा रहे, ये तो ईमानदार लग रहे, ये तो अच्छी तरह नाप लेंगे। अब वे तो चोर चोर में से आते भैया हैं, हम का फायदा उनसे, हम तो अपने खुद नाप लेंगे। महाराज हमें काफी विश्वास है, तुम्हारा नाप ले सो संकल्प। मेरे भक्तों संकल्प नंबर आया, राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए और जो ब्राह्मण ने भगवान को देखो आचार्य समझियो जो नटको नाटक आवे, एकदम राजा बल को इशारा दिया, राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंचे, शुक्राचार्य बोले तू कब को आओ महात्मा? जवाब दो महाराज दो घंटा हो गए,
जानकर जो मांगो तो नहीं। राजा बल बोले 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कह दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले प्रभु मना कैसे कर दे, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धोखे चूना न चाट ले, महात्मा न परमात्मा है, आत्मा खेत के बाहर फेंक दिया है। बहुत बड़ो बाजीगर है, बहु रुपया है, बामन अंगल में तीनों लोगों का स्वामी है। और क्या कहा, अरे बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में, मेले में, मेले में, जा मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। कैसी बंसी है लोगों, विद्वान समझ लेंगे। बाजीगर ने खेल रचायो माटी को एक भूत बनायो, लला जगदीश कैसी बंसी। बाजीगर ने खेल रचायो माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर स्वयं समा इतना गुड़ा। माटी को एक भूत बनाओ, भक्तों हम तो माटी के ही भूत हैं, हम तुम माटी के ही भूत हैं, और बाके अंदर स्वयं समाओ, जो हमारे आपके अंदर बोलता हुआ पंछी है, ये बई है, याद रखिए। बाजीगर ने खेल रचाओ माटी को एक भूत बनाओ, बाके अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ अरबेले में। इधर मानस में बाबा तुलसीदास क्या कह रहे, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, और बार बीच जिम गावे बेदा। ध्यान रखे लोग, बाजीगर ने खेल रचाओ माटी को एक भूत बनाओ, बाकी अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ अलबेले में। और इसकी असली सूरत है राजा बली। शुक्राचार्य कहने लगे दही